नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। तो देखो, दौर आ गया है स्लिम और स्मार्ट टीवीज का, जहां पर आपको घर बैठे थिएटर वाली एक्सपीरियंस मिलती हो। यहां पर आपको टीवीज में HDR 10 वाले कलर्स मिलते हो, साथ ही डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट हो, और टीवी जो है दिखने में भी प्रीमियम लगे। अब देखो, वीडियो कंटेंट तो आपको बहुत मिल जाएंगे आज की डेट में, लेकिन अगर आपको अच्छे से एंजॉय करना है तो आपको एक प्रॉपर टीवी चाहिए जो हाई रेस फॉर्मेट सपोर्ट करे। बट मैं अगर आपको कहूँ कि एक फुल HD टीवी जहाँ पर आपको HDR 10 का सपोर्ट मिलता है, HLG, साथ ही एंड्रॉयड टीवी 11 और प्रीमियम डिजाइन के साथ विद थिन बेजल विद नॉट सो प्रीमियम प्राइस, तो क्या आप देखना नहीं चाहोगे? तो दोस्तों, पेश खिदमत है OnePlus Y सीरीज 40 Y1S टीवी। तो भाई, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो 5 रीजंस जो इस टीवी में इतने बढ़िया मिलते हैं और जिसकी वजह से आपको इस टीवी को जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के मैं हूं दिव्यकांत, और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो भाई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई टीवी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में और ओवरऑल डिजाइन कैसी है। तो यहाँ पे आपको तीनों साइड पे बेजललेस स्लीक एंड एलिगेंट डिजाइन मिलता है जो देखने में बिल्कुल प्रीमियम लगता है। पैनल के नीचे आपको OnePlus का लोगो मिल जाएगा एंड यहाँ पे बिल्कुल मिनिमल डिजाइन दिया गया है, और इस टीवी को आप जहाँ भी रखिए ये आपको दिखने में बढ़िया ही लगेगा। टीवी का बिल्ड प्लास्टिक का है एंड स्टैंड भी प्लास्टिक है, बट बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफी स्टडी है एंड बिल्कुल भी वॉबल नहीं होता। और एक बात जो मुझे काफी बढ़िया लगी, यहाँ पर आपको सारे पोर्ट जो है राइट हैंड साइड टीवी के दिए गए हैं, यानी कि सारे एक साइड है। और अगर पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है 2 USB पोर्ट, 1 RF पोर्ट और एक AV पोर्ट मिल जाएगा। साथ ही आपको 2 HDMI पोर्ट मिलता है जिसमें से एक HDMI ARC सपोर्ट करता है, साथ ही ईथरनेट पोर्ट और एक ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाएगा नीचे की साइड में। साथ में जो रिमोट आता है वो भी काफी स्लिम एंड लाइटवेट है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एंड प्राइम वीडियो का आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा, और साथ ही आपको गूगल असिस्टेंट का बटन मिल जाता है। इसमें आपको मल्टी फंक्शन वॉल्यूम बटन मिल जाता है जिसमें आप वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर डबल प्रेस करके वॉल्यूम बटन डाउन को आप म्यूट भी कर सकते हैं। एंड नाउ बात कर लेते हैं ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टीवी, यानी कि डिस्प्लेस टीवी का कैसा है। और OnePlus टीवी Y सीरीज 40 Y1S में आपको सब कुछ मिलता है। इस टीवी में आपको मिलता है फुल HD LED पैनल विद सपोर्ट फॉर HDR10+, HDR10 एज वेल एज HLG। लेकिन भाई, ये सारे फॉर्मेट्स तो हो गए भाई हाई क्वालिटी वाले, ये तो आराम से दिखा देगा टीवी, लेकिन क्या पता HDR कंटेंट अगर आपके पास हो, यानी कि लो रेजोल्यूशन वाला कोई कंटेंट हो, यानी कि डिश टीवी वगैरह आपने लगा रखा है वो फुल HD नहीं है, उसके बावजूद भी ये टीवी आपको बढ़िया से उसको अपस्केल करके दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एडवांस्ड गामा इंजन जो HDR कंटेंट को भी HDR वाली फील देता है। ये फीचर आपके स्क्रीन पे चल रहे कंटेंट को रियल टाइम में ट्यून करता है, इससे जो भी आप देख रहे हैं वो काफी क्लियर दिखता है अलोंग विद डायनेमिक कंट्रास्ट एंड वाइब्रेंट कलर्स। बाकी थिन बेजल के कारण आपको काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, इवन व्यूइंग एंगल्स भी इस टीवी के आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं, यानी कि एक्सट्रीम एंगल्स में ये फेड नहीं होते हैं, और ये मुझे काफी बढ़िया चीज लगी। तो भाई, ओवरऑल इस टीवी का जो मुझे वीडियो एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया लगा। चाहे आप नेटफ्लिक्स ले लीजिए, यहाँ पर अगर आप YouTube में HDR वीडियोस देख रहे हैं, या फिर कोई अदर OTT प्लेटफॉर्म ले लीजिए, इन सभी मामलों में इसका जो डिस्प्ले है वो निराश नहीं करेगा। भाई, एक टीवी का अगर आपको पूरा लुफ्त उठाना है ना, तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ डिस्प्ले क्वालिटी, आपको ऑडियो क्वालिटी भी तो बढ़िया चाहिए होगा ना। यहाँ पर आपको मिल जाता है डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट। इस टीवी में आपको मिलता है 2 फुल रेंज स्पीकर जिनका मैक्सिमम आउटपुट है 20 वॉट्स का। स्पीकर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो दे आर क्वाइट लाउड और क्लियर भी। अब देखो, जब लाउडनेस की बात आती है तो एक सवाल आना दिमाग में जायज सी बात है, डिस्टॉर्ट तो नहीं करता इसका स्पीकर? भाई देखो, हमने इसको तसल्ली से टेस्ट किया, यानी कि हाई वॉल्यूम में भी टेस्ट किया। इसका जो स्पीकर है 20 वॉट के स्पीकर जो मिलते हैं आपको, वो निराश नहीं करेंगे। चाहे आप वॉल्यूम बढ़ा के सुनिए, वो डिस्टॉर्ट नहीं करते इवन एट हायर वॉल्यूम्स भी। साथ ही काफी अच्छी ट्यूनिंग है एंड विद डॉल्बी ऑडियो आपको काफी इमर्सिव साउंड क्वालिटी मिलती है, वो भी अपने घर बैठे हुए। भाई देखो, आज के टाइम में स्मार्ट टीवी तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई स्मार्ट के साथ साथ उसका जो UI है वो कैसा एक्सपीरियंस देता है, कहीं वो स्लो तो नहीं होता? ये सारी चीजें ना ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। बट थैंकफुली यहाँ पर आपको जो OS मिलता है वो काफी रिफाइंड मिलता है। यहाँ आपको सॉफ्टवेयर एंड फीचर्स में कोई कमी नहीं मिल रही है। इट कम्स विद एंड्रॉइड टीवी 11 प्लेटफॉर्म जो कि ज्यादा रिलायबल एंड सिक्योर्ड है। यहाँ आपको ऑक्सीजन प्ले 2.0 मिलता है जो कि आपके फेवरेट शोज और मूवीज को उनको नीटली कैटेगराइज करके दिखाता है। इसका UI काफी क्लीन है, इजी टू यूज है और रेस्पॉन्सिव भी। इसी के साथ आपको 230 प्लस लाइव चैनल्स का भी एक्सेस मिलता है। इसी के अलावा इस टीवी में आपको ALLM का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड, जिसकी वजह से अगर आप इस टीवी पे गेमिंग भी कर रहे हैं तो वहां
जहां पर आपको लेटेंसी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। कम लेटेंसी के साथ आपको ओवरऑल बढ़िया रेस्पॉन्सिव इसका स्क्रीन लगेगा और एक्सपीरियंस ओवरऑल गेमिंग का भी बढ़ाएगा। इसके अलावा आप गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप वीराकास्ट, DLNA एंड क्रोमकास्ट के थ्रू डायरेक्टली इस टीवी पे कास्ट कर सकते हैं विद स्पीड ऑफ 5 GHz डुअल बैंड वाईफाई। आपको अलग से यहाँ किड्स मोड भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। आप मैनेज भी कर सकते हो और उनके व्यूइंग आवर्स को कंट्रोल भी कर सकते हो और इस फीचर को वॉच टाइम लिमिटेशन बोलते हैं। और तो और यहाँ आपको डेटा सेवर प्लस भी मिलता है जिससे आप डेटा यूसेज अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक फीचर काफी बढ़िया लगा, यहाँ पर जो OnePlus Connect 2.0 ऐप है उससे आप अपने स्मार्टफोन को एक रिमोट की तरह बना सकते हैं और बिना वाईफाई या डेटा कंज्यूम करे आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन को इस OnePlus टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और आराम से कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी रिमोट। भाई इतने सारे फीचर्स, प्रीमियम बिल्ड, बढ़िया डिस्प्ले एंड साउंड के साथ ये OnePlus टीवी Y सीरीज 40Y1S काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है फॉर कंज्यूमर्स। भाई नो डाउट ये सारी चीजें इस टीवी को काफी प्रीमियम बनाती है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज बताऊं इस टीवी का क्या है, वो है इसका नॉन प्रीमियम प्राइस। ये टीवी आपको मिलता है फॉर द प्राइस टैग ऑफ ₹21,999। एडिशनल ऑफर्स के साथ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है इसका प्राइस, चाहे ऑनलाइन खरीदो या फिर ऑफलाइन। तो बस ये थे वो 5 रीजंस जिसकी वजह से आपको ये OnePlus Y सीरीज 40Y1S को जरूर कंसीडर करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो इस टीवी के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।